सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समाज उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करेगा। हम लोग बबलू खान के साथ में जाएंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही मुसलमानों की राय ने मचा दिया तहलका। ऐसा क्या बोले अयोध्या के मुसलमान कि पूरा भारत देश देखता रह गया। इन मुसलमानों को अयोध्या का एक एक सनातनी बार बार सुन रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आने वाली 22 जनवरी को होगा, जिसे लेकर धर्म नगरी में तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, जिसकी गवाही शहर का कोना कोना दे रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में रेलवे जंक्शन और एयरपोर्ट का उद्घाटन शनिवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले अयोध्या वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के अलावा सबकी नजरें अयोध्या के मुसलमानों पर भी है कि आखिर वो इस भव्य राम मंदिर और मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अयोध्या के मुसलमानों की राय। श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उनके लिए तो हम सब मुस्लिम फैमिली जो है बहुत अच्छे से स्वागत करने का पूरा प्रोजेक्ट एक बना लिए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग उनका स्वागत करेंगे और बहुत खुशी भी हो रही है कि अयोध्या में आ रहे हैं श्रीमान। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि चलो प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आ रहे हैं। और जहाँ एक समय ऐसा था अयोध्या जंगल दिखाई पड़ता था, अब अयोध्या से अयोध्या सिटी बन चुकी है। जो यहाँ आएगा वही देख पाएगा कि क्या हो रहा है, और जो नहीं देख पाएगा वीडियो द्वारा पहुंचा दिया जाएगा उसके पास। तो ये सब जितना भी हुआ है डेवलपमेंट तो किसी एक के लिए नहीं हुआ है। ये हम थोड़ा सा एक वर्ड बोलना चाहते हैं उन नेता के लिए जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं कि मुस्लिमों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम उनको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये किसी एक के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ही हुआ है, या ये नहीं सोच के किया गया है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो हर किसी के लिए है। ठीक है, तो कुछ मुस्लिम भाइयों के अंदर भी जो घुस गया है कीड़ा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उन्हीं के दिमाग में घुसा है जैसे एक कुरकुरे की पन्नी आती है उसको खा के फेंक दिया जाता है, जो पन्नी खाली पड़ी होती है तो उसके अंदर कुछ उसका महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जो मुस्लिम भाई जानते हैं कि हाँ इसमें डेवलपमेंट विकास हो रहा है, वो भाजपा बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और ये सोच के नहीं जुड़ रहे हैं कि ये क्या है क्या कैसे, क्योंकि सरकार किसी एक के लिए कर ही नहीं रही है, सबके लिए कर रही है ना। तो वही नेता के लिए हम बोलना चाहते हैं जो नेता भड़काते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो मुस्लिम भाई जितने हमारे माशाल्लाह से हैं, जानकार हो जाते हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं, तो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, जितने परिचित के लोग हैं, इंशाल्लाह जाएंगे। श्रीमान मोदी जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करा जाएगा अच्छे से, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप सब भी वहाँ रहेंगे, हो सकता है इंशाल्लाह देख लें, मुलाकात भी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समाज उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करेगा, फूलों से मालाओं से हम लोग स्वागत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं स्वागत को लेकर? पूरी तैयारी है, ये हमारा जो है फूल माला का पूरा तैयारी हो रही है, बनवा रहा हूं, और हम लोग माननीय मोदी जी का हम लोग स्वागत करेंगे। एक माहौल हम लोगों ने 92 में देखा था और एक माहौल ये भी देख रहा हूं। आज अयोध्या नगरी में आप जाकर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये वही अयोध्या है जो कल थी। आज ये अयोध्या ऐसे दिख रहा है जैसे विकास के रास्ते पे अयोध्या आगे बढ़ रही है। देखिए अयोध्या में जिस तरह से, मैं तो टीवी चैनलों पे देखता रहता हूं, कुछ नेता अगर ऐसा बयान करते हैं कि मुस्लिम शामिल नहीं हो रहा है, मोदी जी का स्वागत मुस्लिम नहीं करेगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा अनाप शनाप बयान ना दें। आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो गए हैं, आप एक दल के नेता हैं और मुस्लिमों को खुश करके सत्ता हासिल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आजादी के बाद से जिन जिन दलों ने हमारे मुस्लिम समाज का वोट लेकर के सत्ता हासिल किया, मुस्लिमों के बारे में बताया कि हम आपका बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन सत्ता तो हमारे समाज ने दिया और वो कभी भी हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं किए, सौतेला व्यवहार किए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती थी कि मुसलमानों के बारे में, लेकिन दो बार केंद्र में, दो बार प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता आने के बाद पूरे प्रदेश का मुस्लिम यानी कि 25 करोड़ की आबादी में संपूर्ण मुस्लिम, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं बचा हुआ है कि हर योजना का नाम बढ़ चढ़ के, हर योजना का लाभ बढ़ चढ़ के उसको ना मिला हो। तो अब मुस्लिम भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ, तो अब मुसलमान भी भेदभाव नहीं करेगी। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हमारा समाज ना कभी ना राम से नफरत करता था और ना राम मंदिर से नफरत करता है। लोग अलग अलग तरीके से बयान देकर के हमारे समाज को बदनाम करते हैं। मैं यही खूबसूरत अयोध्या की बात कर रहा हूं, जहां श्री राम ने जन्म लिया है वहां पे मैंने भी लिया है जन्म, मैं बबलू खान वहां भी जन्म मैंने भी लिया है, और यही पे तमाम ऐसे मुसलमान जन्म लिए हैं, जाकर के आप उनसे पूछेंगे तो कोई राम के विरोध में आपको बयान नहीं देगा। यहां का मुस्लिम आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। यही विवाद था तो अयोध्या कोई आना नहीं चाहता था, आज अयोध्या सज रही है, समर रही है, तो इसको कौन सजाया कौन संवारा? भारतीय जनता पार्टी ने सजाया संवारा। तो आज हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग, ज्यादातर तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, अपने परिवार को, अपने मां को, अपने पिता को छोड़ करके वो विदेश में जाते हैं। अगर उनके घर पे इंतकाल हो जाता है किसी का, या कोई भी हैवी देवी हो जाती है तो कोई पहुंच नहीं पाता है, इससे निजात मिलने वाला है। अब विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या में ही वो उसका अच्छी कमाई होगा। अगर विदेश में वो 10,000 रुपए का आमदनी करता था तो मैं कहना चाहता हूं कि अब विदेश ना जाने के बाद अयोध्या में 20,000 का आमदनी करेगा। ये है अयोध्या। कल हम लोग बबलू खान के साथ में जाएंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ मुसलमान भाई सब लोग साथ में जाएंगे, हम लोग को बहुत उत्साह है। कितना बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत बदलाव है, मतलब पहले से तो बहुत ही ज्यादा बदल गया है। उत्साह कैसा है आप लोगों का? वो तो उत्साह का लाभ देखिएगा, हम लोग सब साथ में जाएंगे हमारे नेताजी के साथ में।